नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें सब जानते हैं और हाल ही में बहुत दुखद घटना रही है, जो कि हमारे साथ हमारे प्यारे मिल्खा सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि स्वर्गवासी मिल्खा सिंह जी जो पाकिस्तान में रहा करते थे, पार्टीशन के बाद भारत आए और एक छोटा सा लड़का अपनी आँखों में कई सारे सपने लिए भारत में अपना नाम बनाता है। और वो नाम भी कैसे बनाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला भारतीय जो गोल्ड मेडल लेके आया सन 1958 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 7 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने जीवन में जीते, 1 कॉमनवेल्थ, 4 एशियन गेम्स में, टोक्यो और जकार्ता में तो इनके नाम की धूम मची हुई थी, और 2 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो कुल मिला के 8 मेडल जीते। 3 बार इन्होंने ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया, 1956, 1960 एंड 1964। ऐसी शख्सियत भले ही आज हमारे बीच ना रही हो, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमेशा मैं उस चीज़ को अपने को मोटिवेट करने के लिए सुनता था कि ऊंचा उड़ने वाले छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाया करते। तो ये बात इन्होंने इसलिए सिखाई थी कि जो लोग सोचते हैं कि हमारा दिल टूट गया है और ये हो गया वो हो गया, तो रोने से अच्छा है अपने ऊपर मेहनत करो। अपने ऊपर मेहनत करोगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। मैं अपने अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा इनकी एक आखिरी कोटेशन के साथ। जिस इंसान में यह चीज है, हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन, वो जमीन से उठ के आसमान को छूने का दम रखता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह ने ये वाली बात कही थी। तो आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेंगे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति एंड धन्यवाद आप सभी लोग।